हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही स्पेशल रेमेडी देने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ शरीर के ऊपर तिल और मस्से बहुत हो जाते हैं। कई बार ये मस्से नजर नहीं आते, लेकिन कई बार ये मस्से ऐसी जगह पे होते हैं जैसे कि गर्दन पे हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, जहाँ ये बहुत ही बुरे लगते हैं। और कई बार ये मस्से जो होते हैं बढ़ते बढ़ते बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, जैसे कि कैंसर है। तो इन मस्सों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जैसे ये शुरू होते हैं इसका इलाज कर देना चाहिए, और इसका इलाज बहुत आसान है। मैं जो रेमेडी देने जा रही हूँ वो रेमेडी तिल मस्सों को दूर करने के लिए है। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपके तिल मस्से जो हैं वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी पहुंच सके और आप इन आसान रेमेडीज का फायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं। ये हमने प्याज लिया है, और प्याज को हमने ग्रेट करके एक कपड़े में डाल के या एक छलनी में डाल के उसका ये रस निकाल दिया है। तो ये प्याज का रस है, मैंने एक प्याज को ग्रेट किया है, उसका रस निकाला है। तो सिर्फ हम प्याज के रस से ही इन तिल मस्सों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। हमने हल्की सी कॉटन लेनी है, और हमने इस तरह से प्याज के रस के अंदर डुबोकर, जहाँ भी आपका कोई तिल मस्सा है, मान लो आपका यहाँ कोई तिल है या मस्सा है, आपने मस्से के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसको मस्से के ऊपर ही लगाना है। आप इसे दिन में दो बार भी लगा सकते हैं, तीन बार भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते तो आप ईयरबड्स ले सकते हैं, बर्ड्स लेकर उसे प्याज के रस में डिप करके उससे लगा सकते हैं, या आप किसी भी छोटी आई ड्रॉप्स वाली शीशी के अंदर इसे डाल सकते हैं और ड्रॉप्स जो है अपने मस्से के ऊपर लगा सकते हैं। तो आप हर तरह के मस्से के ऊपर ये लगा सकते हैं। मस्से लाल रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं, और स्किन कलर के भी होते हैं। तो आप हर मस्से के ऊपर इसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगता है ये, लेकिन इससे बहुत ही जल्दी आपके मस्से दूर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेमेडी बहुत ही ठीक लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, इसके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। और इसे बनाना मुश्किल नहीं है, प्याज हर घर में होता है, बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और इसे 5 से 6 दिन यूज करके फिर आप फ्रेश बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप डेली भी फ्रेश बना कर रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप चाहें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके मस्से जड़ से खत्म हो जाएंगे। आप इसे रेगुलर यूज करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रिजल्ट कैसे लगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।